हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, स्विच गया, सभी का टाइम हो रहा है 9:20। और गाइस, मैं अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ हर दिन की तरह। अरे यार, वैसे मैं ऊपर क्यों आ रहा हूँ? मेरे जूते, अच्छा हाँ, जूते लेने आया था। बाप रे, वाइट वाले जूते तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। देखो, इनको साफ करना पड़ेगा यार, बहुत टाइम से साफ भी नहीं हुए, जब से पेपर शुरू हुआ उसके पहले, मतलब एक महीना मान लो, एक महीने से जूते साफ़ नहीं हुए हैं। ये भी नहीं हुए हैं और ये भी नहीं हुए हैं, तो इनको भी, दोनों को साफ़ करवाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, जल्दी से जूते पहन। अबे यार, सॉक्स है नहीं है जूतों के अंदर। अरे वैसे भी दोनों जूतों में एक से ही सॉक्स लगते हैं, वाइट, तो इसी के सॉक्स ले ले रहे हो। तुम लोग पराए हो गए हो, जाओ अंदर। और गाइस, आज मेरे स्कूल में है काइट कॉम्पिटिशन। नहीं, कॉम्पिटिशन तो नहीं है, लेकिन सब लोग काइट लेकर आएंगे और उड़ाएंगे, मतलब पतंग, क्योंकि अभी मकर संक्रांति आ रही है, तो इसलिए हमारे स्कूल वालों ने एक वो करवाया है प्रोग्राम टाइप का, कि उसमें सब बच्चे काइट्स लेकर आएंगे और उड़ाएंगे। हम तो नहीं ले जा रहे हैं, हम दूसरों की उड़वाएंगे। हवा चलेगी तो उड़ेगी कटन, वही हवा नहीं चलेगी तो पतंग कहाँ से उड़ेगी? वैसे अभी तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही, देखो पेड़ की एक पत्ती भी नहीं उड़ रही। क्या पता वहाँ हवा चल रही हो, नहीं चलेगी तो फिर नहीं उड़ेगी। गाइस, तो चलो चलते हैं स्कूल, आज तो जल्दी सब कुछ हो गया, जल्दी जा रहा हूँ, देर तक खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पे। चलो चलिए स्कूल की तरफ। चिड़िया चिड़िया, दो दो चिड़िया। ओहो, अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उड़ गए। धूप मस्त है। हाय बाय, नहीं हाय, मैंने बाय बोला, ये हाय कर रही। ग्लेरी, सारे जानवर यहीं से निकल रहे हैं आज। मम्मा, अभी यहाँ पे एक चिड़िया थी, मैंने उसकी वीडियो बना ली, सही किया। चलो बाय। वाया, कितनी तेज धूप है। मम्मा इन्हें उतार ले रहे हैं, बहुत तेज धूप है। गाइस, ये देखिए कितनी सारी पतंग उड़ा रहे हैं सब बच्चे, इतने सारे। देखो, मेरा सब्सक्राइबर भी आ चुका है, छोटे छोटे से सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, पर मुझे शर्म आती है। और ये देखो, निकल भी उड़ा रहा है, मस्त पतंग निकल की सबसे अच्छी गई है। ये भी मेरे छोटे से सब्सक्राइबर्स हैं सब। चलो गाइस, उड़ाने देते हैं इन लोग को पतंग। गाइस, तो मैं घर आ चुका हूँ और यहाँ पे बब्बा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी पे नंबर कॉल लगा रहे हैं। देखो, अभी तक बब्बा जी के पुराने ज़माने का मोबाइल नोकिया का है, नोकिया नोकिया, अगर हीट भी मार दोगे तो वही नहीं टूटेगा। शुरू हो गई बात है, मस्त एकदम। इतना सा अगर उसने गेम खेले तो गेम ही नहीं खेल पाएंगे अपन लोग तो। हाँ, वो भी क्या दिन थे जब बचपन में अपन लोग वो ब्लॉक्स जमाने वाला गेम खेलते थे, ब्लॉक्स गिराने वाला गेम खेलते थे, मज़ा आ जाती थी उन गेमों में। तुमने हमारी जैकेट क्यों पहनी? स्वेटर हमारी स्वेटर पहनी हो, बढ़िया आई, हमारी स्वेटर पहनी, देखो क्या चमक रही है। मस्त, बोरिंग दिन था, बोरिंग। सोचा था पूरे दिन पतंग उड़ेंगी, एक घंटे के लिए पतंग उड़वाई, फिर वापस बुला लिया, और ऊपर से हवा भी ना चले तो अच्छे से पतंग भी नहीं उड़ी। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। हमारी तो नहीं उड़ी, मतलब हम तो ले ही नहीं गए थे, बच्चों की तो नहीं उड़ी, हमने चाहे एक की उड़वा दी थी,
चलो गाइस जल्दी से चेंज करते हैं। तो गाइस हम लोगों को अचानक से भंडारे भंडारे में बुलाया गया है। बकाइन में हनुमान जी के पास जो इडली वाले हनुमान जी हैं उनके भव्य दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। हमारे यानी मौसी का बेटा वहाँ भंडारा करवा रहा है, नहीं आ पाया क्योंकि हर्ष अभी स्कूल में है। उसको कॉल करके बता दिया था तो वो कह रहा था कि 25 मिनट में आ जाएंगे, हमें भी चलना है। लेकिन हमने कहा उतना टाइम है नहीं, 4 बजे तक का भंडारा है, 3 बज चुके हैं। तो हमने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, तुम आ जाना भंडारे का प्रसाद लेकर उसको जाएंगे। एंट्री कर चुके हैं, ये है इमला वाले हनुमान जी के प्रवेश द्वार। आप लोग को पहले भी दर्शन करवा चुके हैं इमला वाले हनुमान जी के, वहीं हम लोग फिर जा रहे हैं। यहाँ ना दोनों तरफ रास्ता बनाई हुई है, बीच में रास्ता बनाई हुई है, आजू बाजू खेत हैं और बीच में मंदिर है। अच्छा लगता है देखने में, हरा 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 दोनों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी आपको। बस हर्ष नहीं है, हर्ष अभी स्कूल गया, हर्ष की माँ अभी मना रही है, अभी तक आ चुका होगा वैसे है। बताओ इतने छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़ दिया रास्ते में। गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, आप देख सकते हैं हम लोग की एंट्री हो गई है। साइड में लगा ले थी काम सब लग जाएगा, टेंशन नहीं लो। खड़े हैं मौसिया जी, सब खड़े हैं, देखो ये खड़े हैं। गाइस यहाँ सभी लोग खड़े हुए हैं, क्या जाने की तैयारी हो रही है पता नहीं। हम लोग लेट हो गए लगता है। मामा भी आ गए हैं, देखिए ये है मामा श्री हमारे गाड़ी के वहाँ, और आगे वहाँ भिक्की आ रहा है आप देख सकते हैं। गाइस तो ये हैं हमारे इमला वाले बालाजी महाराज, आप दर्शन कर लीजिए प्यारे से भगवान जी का। देखिए गाइस कितना प्यारा मंदिर है, आपको पहले भी हम दर्शन करवा चुके हैं, सारे मंदिर के दर्शन आपको पहले भी करवा दिए हैं, बार बार आपको दर्शन करवाते हैं कि भगवान आप लोग को भी हमेशा खुश रखें। है ना शर्मा जी, YouTube के माध्यम से हाँ? हर्ष शर्मा के ब्लॉग से, हर्ष किंग ब्लॉग से आपको भी हनुमान जी के सभी लोगों को दर्शन मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले लो उनका और क्या। ये मंदिर ना बोलते हैं यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है ना, जिसकी बार
मनोकामना पूरी होती है वो कपूर आरती बोलते हैं। हाँ, यहाँ कपूर आरती होती है गाइस, यहाँ शाम को होती है कपूर आरती, जिसकी मनोकामना पूरी होती है तो कपूर आरती करवाते हैं, उनके नाम से यहाँ आरती कर दी जाती है। ठीक है गाइस, अब हम भगवान जी के पैर पढ़ लेते हैं। सिया राम जी के दर्शन करिए भगवान जी, हम भी सिया राम जी के अपने दर्शन करने आए हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, जय हो प्रभु, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना मेरे सिया राम जी। मंदिर वालों ने खरीद ली होगी। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। गाइस यहाँ फैक्ट्री अच्छे से दिख नहीं रही है आपको ना, सीमेंट बनने वाली फैक्ट्री दिखाएंगे गाइस। ये देखिए गाइस, यहाँ से दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा अच्छे से। माय सैम, यहीं मोदी जी आए हुए थे, यहीं पर मोदी जी भी आए हुए थे अभी। गाइस तो आप लोगों ने देखा कैसे मम्मी और पापा मस्त मजे कर कर आ गए, और मैं नहीं कर पाया वो मजे क्योंकि मैं था स्कूल में और टाइम बहुत कम बचा था, तो इसलिए मम्मी और पापा हो आए, मैंने कहा आप लोग हो आओ, और मम्मी और पापा ने मजे कर लिए। मैं होता तो और थोड़ी और अच्छे से ब्लॉग बनाता, वैसे तो मम्मी ने बनाया है, लेकिन अगर मैं होता तो थोड़े और अच्छे से बना लेता। तो गाइस आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया, तो चलो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते। गाइस अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल से के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।